एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉलर नेक डिज़ाइन। तो उसको बनाया है मैंने इस जो एम्ब्रॉयडर्ड नेक है उस पर। आप कोई भी शेप इसमें ले सकते हो, किसी भी प्लेन कुर्ती पे भी इसको बना सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। तो इसके लिए मैंने ये राउंड नेक लिया है। आप कोई और शेप, स्वीट हार्ट हो गई, स्क्वायर शेप हो गया, कोई भी शेप जो है आपको कम्फर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। नेक की लेंथ है मेरी यहाँ पे 7.5 और जो इसकी ब्रॉडनेस है वो आएगी 6 इंच। तो मैं इसको रखूँगी जहाँ पे, मतलब अकॉर्डिंग टू एम्ब्रॉयडरी मैं इसको सेट करूँगी। तो ये थोड़ा सा छोटा ही बनेगा क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से नेक जो है ऊपर से थोड़ा छोटा ही है। तो अब इस पे जो कॉलर लगाना है उसके लिए मैंने लिया है ये बुकरम पट्टी जो है 1.25 इंच की, और इसके ऊपर मैंने 0.2 इंच की मार्किंग करी है। अब मैं बनाऊंगी स्कैलप। उसके लिए आप कोई भी राउंड शेप जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी राउंड में कोई टेप हो गई, कोई भी किसी भी बॉटल का नीचे का हिस्सा हो गया, कोई भी कैप हो गया, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो स्कैलप बनाने के लिए। आपको स्कैलप कितने बड़े और छोटे चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कोई भी एज सच यहाँ पर मार्किंग नहीं करी है कि मैंने 1-1 इंच रखना है या 2 इंच रखना है, ऐसा कुछ भी मार्कआउट नहीं किया है। मैंने सिर्फ टेप ली है और टेप के एजेस पे एक मार्क लगा दिया है कि यहाँ पे इसका हाफ है, और उसी के हाफ के अकॉर्डिंग मैं इसके जो है स्कैलप को मार्क कर रही हूँ। तो ये मैंने डबल फोल्डेड में लिया हुआ है और डबल फोल्ड करके ये जो है वो 15 इंच आ रहा है। रफली इसको मैंने कट किया है अभी, और उसके बाद प्रॉपर फिनिशिंग में भी हम इसे बाद में कट कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ से रह गया है वहाँ वहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो शेप है वो बन गई है, स्कैलप्स की रेडी हो गई है। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए। सेंटर में जो गैप है मैंने वो कम रखा हुआ है और बाकी साइड्स पे जो नॉर्मल है। तो नेक मैंने फोल्ड कर लिया है, इस पर मैंने गुम पाइपिंग लगाई है। अगर आपको गुम पाइपिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो इनविजिबल पाइपिंग हम लगाते हैं उसका भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। नॉर्मल नेक हम जैसे हम स्टिच करते हैं वैसे इसको स्टिच करना है, और बाद में हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि इसको फोल्ड करने में इजी रहे, और इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे इसके कॉर्नर कॉर्नर पे। ये जो इनविजिबल पाइपिंग है लगानी बहुत ही सिंपल होती है, आसान होती है, बट लगता है थोड़ा सा कि नहीं ये नहीं बन पाएगा, इजी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बनने के बाद बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो ये देखिए मेरी पाइपिंग लग गई है। अब हम दोनों शोल्डर्स जो हैं उनको अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है आगे और पीछे वाले की। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार कि वीडियो कैसी लगी। और ये है स्कैलप्स जो कि मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं। हमें इसे एक फैब्रिक पे पेस्ट करना है और उसको डबल कर लेना है, और उसके बाद नीचे फोल्ड करने के बाद एक स्टिच लगा लेना है। स्कैलप बनाना बहुत ही ईजी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको एजेस एजेस पे इस पर सिलाई लगानी है और इसको सेंटर में कट देके इसको फोल्ड कर लेना है। और सेंटर पार्ट में दोनों साइड मैंने मार्किंग कर ली है, नेक वाली साइड भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे हम इसे
सेंटर से मैच करते हुए आप किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं हमेशा ऐसी चीज़ें जो है वो सेंटर से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि दोनों साइड पे जो है वो इक्वल ही आए। तो यहाँ पे सेंटर पे साइड पे हम इसे सिलाई लगा देंगे बिल्कुल साइड साइड पे, क्योंकि बैक साइड का हिस्सा हमने कट नहीं किया है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पे इसको स्टिच करते हुए जो हमारी सिलाई है उसे हम यहाँ पर एंड कर देंगे। तो हमारा लास्ट यहाँ पे आया है, हम यहाँ पे इसको सिलाई को यहीं पे डबल स्टिच करने के बाद लॉक करके सिलाई यहीं पे सिलाई को छोड़ देंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम यही चीज़ करनी है। नीचे सिलाई लगाने का एक ही पर्पज़ है कि हमें थोड़ा आइडिया रहे कि हमें उसके आसपास ही इसको स्टिच करना है। आप क्योंकि ये मेरा एम्ब्रॉयडर्ड राउंड नेक था तो मैंने इस पे ये चीज़ बनाई है, आप चाहो तो कोई और भी ऑप्शन जो है इसमें चूज़ कर सकते हो। आप स्क्वायर शेप बना सकते हो, आप इसमें स्वीट हार्ट शेप बना सकते हो। तो ये देखिए मेरा नेक जो है वो रेडी हो गया है, और नेक रेडी होने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। और ये देखिए पाइपिंग भी बहुत अच्छी लग रही है इसकी बनी हुई। एक्चुअली थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड वाला पोर्शन है तो थोड़ा ऊपर नीचे हुई है ये, और नेक पूरा बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा है। और यहाँ पे आप चाहो तो कुछ बीड्स वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हो, मोती लगा सकते हो बीच में। और जो बैक साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लीजिए, हेम कर दीजिए इसे, ताकि वो और भी ज़्यादा प्यारा लगे। और जो एक्स्ट्रा है थ्रेड्स उनको कट कर लीजिए। सो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट रिलेटेड कोई भी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो उसका लिंक जो है मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।